आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। गाजियाबाद में चाकू से गोदकर पति की हत्या, चादर नहीं लाने पर बेटी को पीटा, बीच बचाव में आई पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार। आगरा में बॉलीवुड के लिए तोड़ दिए नियम, मेहताब बाग बंद होने पर चलती रही गुरु रंधावा और सई मांजेकर की शूटिंग। सहारनपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं माफिया, हरियाणा और यूपी खनन माफिया करते हैं खनन। रातोंरात एक मीटर गंगा बढ़ा, गंगा का जलस्तर वाराणसी में नहीं थम रहा है, गंगा का उफान, आज हो सकती है बारिश। आजमगढ़ में दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, जुलूस ने नगर में किया भ्रमण, डीजे की धुन पर थिरके श्रद्धालु। मुरादाबाद में बीच सड़क पर एनकाउंटर, ड्यूटी से लौट रही भाजपा नेता की पत्नी की फायरिंग में मौत, पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 5 घायल। सहारनपुर में बिना जांच के नाबालिग बना दिया बालिग, कोर्ट ने नाबालिग को बाल संरक्षण कल्याण समिति में पेश करने का दिया आदेश। बीएचयू कैंपस में कल रात से धरना जारी, रूम में आए थे गेस्ट, प्रशासन ने हॉस्टल से निकाला छात्र, बोला गेस्ट रजिस्टर तक नहीं है। इटावा में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक में मारपीट, चाकू लगने से प्रधानाचार्य घायल। संभल में भाजपा नेता ने की जरूरतमंद की मदद, लगातार हो रही बारिश में गिर गया था मकान, पीड़ित ने जताया आभार। गाजियाबाद में प्रोबेशन अधिकारी को घूस लेते पकड़ा, प्रोबेशन विभाग में सीट पर बैठकर ली रकम, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बाढ़ के पानी में फंसी एसडीएम की सरकारी गाड़ी, सीतापुर में पानी से कटी सड़क, आधे घंटे बाद गड्ढे में फंसी गाड़ी को ट्रैक्टर से निकाला गया। अलीगढ़ में शातुली टोरे पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, सिविल लाइन्स पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, कई घटनाओं में है नामजद। बांदा में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर, परिजन बोले पुलिस को फोन करने के बाद भी नहीं मिली मदद। दुकान से 10 महीने तक मोबाइल चुराती रही महिला, सफाईकर्मी पति ऑनलाइन बेचता था, 5 लाख का कर्ज उतारा। देवरिया में मंगल दल को नहीं लगाना होगा ऑफिस का चक्कर, पंजीकरण के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। कानपुर में डेंगू हो रहा है बेकाबू, 129 डेंगू पेशेंट के साथ 5 नए डेंगू मरीज आए सामने, रावतपुर में डायरिया से बच्चे की मौत। चंदौली में आरपीएफ ने 2 टिकट दलालों को दबोचा, रेल टिकट और लैपटॉप जब्त, गैरकानूनी रूप से करते थे टिकटों की बुकिंग। शादी अनुदान योजना में धांधली, जांच रिपोर्ट में निदेशालय ने भेजी गई 4 ने वापस ली राशि, सभी लाभार्थियों के खंगाले जाएंगे खाते। मेरठ में जुगाड़ का वाइपर ठीक होने का वीडियो आया सामने, अगले यूपीआरसीटी वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया पर दे रहा जवाब।
उन्नाव में चेतावनी बिंदु की तरह बढ़ा जलस्तर, चेतावनी बिंदु 47 सेंटीमीटर दूर, सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी में घिरे। अमेठी में लापता चार बच्चियां बरामद, पद्मावत एक्सप्रेस से जा रही थी दिल्ली बरेली, पुलिस स्टेशन पर उतारा। पीलीभीत में बाइक टकराने के बाद मारपीट, दबंग ने युवक को मेले में गिराकर पीटा, खड़े होकर वीडियो बनाते रहे लोग। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारियों ने लिया जायजा, लखीमपुर खीरी में डीएम एसडीओ ने विधायक संग जाना हाल। बलिया में सरयू खतरे का निशान पर, बाढ़ की संभावना पर प्रशासन अलर्ट, कई बसिया और पानी की घिरी। अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस 15,75,000 चोरी के मोबाइल को किया बरामद। औरैया में पुलिस ने शौक पूरा करने के लिए वारदात करने वाले चार लुटेरों को पकड़ा, पूछताछ के बहाने लूटा था मोबाइल व रुपए। कानपुर में किशोरी से छेड़छाड़ करना शोहदे और उसके दोस्तों को पड़ा भारी, किशोरी ने बीच सड़क शोहदे का उतारा आशिकी का भूत। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जोन 6 की कमी आई सामने, रोड पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा होने से वाहन अस्त व्यस्त। कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट से सड़क में हुए गड्ढे में गिरी बाइक, मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। आगरा में मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं बनाई जाएंगी पक्की कब्रें, कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने के लिए नहीं मिल रहा है जगह। अलीगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हुआ जंगल में तब्दील, कब्रिस्तान मरघट को स्वच्छ बनाए जाने पर उठ रहा है सवाल। औरैया में बारिश ने बना दिया कर्जदार, फसल बर्बाद होने से उड़ी किसानों की नींद, प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव। अलीगढ़ में बाइक सवार को निजी स्कूल बस ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने भेजा अस्पताल। बहराइच में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में छात्रों पर गिरा झूला, हादसे में दो छात्रों की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलीगढ़ में अलदुआ मीट फैक्ट्री रिसाव कांड मामले में फैक्ट्री मालिक के विदेश भागने की चर्चाएं तेज, पुलिस लगातार दे रही दबिश। बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण का, हर संभव मदद मिलेगी, 351 को बांटी राहत सामग्री। बुलंदशहर में तालाब में जानवर के अवशेषों में से मिले फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। देवरिया में मुलायम सिंह के निधन पर कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोरखपुर में पिपराइच रामलीला मैदान स्थित जर्जर भवन गिराने को लेकर विवाद, दोनों पक्ष थाने पहुंचे। हमीरपुर में भी लंपी वायरस ने दी दस्तक, बड़ी संख्या में मवेशी आए वायरस की चपेट में। देवरिया में ढहराने लगा सरयू और राप्ती का बढ़ता जलस्तर, किनारे रहने वाले ग्रामीणों में दहशत।
हरदोई में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन, हार जीत की बाजी लगाते 7 जुआरी गिरफ्तार। कानपुर में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत, कई घायल, घायलों को हेलमेट में कराया गया भर्ती। हरदोई में अब सत्ता की छांव में लगाया जा रहा है सट्टा, मौजूद हस्तियों को अपने हितानुसार के लिए करते हैं प्रयोग। लखीमपुर खीरी में जल निकास बाधित होने से सैकड़ों घरों में घुसा पानी, बरसात का पानी, पीड़ितों ने तहसील गेट पर नारेबाजी के साथ दिया धरना। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के भगोड़े बेटे अब्बास अंसारी की तलाश जारी, हजरतगंज स्थित विधायक आवास पर की गई नोटिस जसपा। शाहजहांपुर में 9 अगस्त से ट्रैफिक ने खीरीबाग चौराहे पर चलाया यातायात जागरूकता अभियान, किया जागरूक। नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा ने बाढ़ प्रभावित जिलों के राहत कार्यों की समीक्षा की, स्थिति का जायजा लेने और कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सुल्तानपुर में विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 32 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में गौ हत्या के मामले आए सामने, रात में अंधेरे में 6 जानवरों की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में पटाखों को लेकर चला चेकिंग अभियान, अभियान में पटाखा व्यापारियों के चेक किए गए लाइसेंस। लखनऊ में मदरसों के सर्वे पर बोर्ड चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा गलत कामों पर कार्रवाई करना सरकार का हक। वाराणसी में बीजेपी नेता की हत्या, मनबड़ युवकों ने शराब के ठेके पर लाठी डंडे व राड से मारकर की हत्या, मामले में 4 कांस्टेबल निलंबित। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर, राजधानी में 38 नए मरीज मिले, 8 मरीज अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में किसान नेताओं ने इंद्रदेव के खिलाफ पुलिस को सौंपी तहरीर, किसान नेताओं ने इंद्रदेव पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। रायबरेली में जिला कारागार में बंदी की मौत में आया नया मोड़, पिता ने हत्या कर शव को लटकाए जाने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में आप नेताओं ने किसानों के साथ आम जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। औरैया में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफिया ने पुलिस लाइन की जमीन को बनाया निशाना। अलीगढ़ में डेंगू से ग्राम विकास अधिकारी की मौत से मचा हड़कंप, पिछले एक हफ्ते से पीड़ित थे अधिकारी। बुलंदशहर में राशन वितरण को लेकर धांधली का आरोप, दर्जनों महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। कानपुर में टैंक फटने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस आनंद फानंद में दोनों को हेलमेट अस्पताल में लेकर पहुंची। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में आप कार्यकर्ता की हत्या, हत्या की घटना से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष।
कानपुर पांडू नदी में बहकर लापता हुए दो युवक लापता। युवकों की खोजबीन पांडू नदी में गोताखोर लगा रहे गोते। महाराजगंज में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। महाराजगंज जिले भर से आए कार्यकर्ता और लोगों ने राजभर का किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर कालीबाड़ी के संत महेंद्रनाथ सिविल अस्पताल में भर्ती संत के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे सीएम योगी। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री विकास कार्यों के निर्माण स्थल का कर सकते हैं निरीक्षण। लखनऊ में दबंगों ने प्रेमी युगल को जमकर पीटा। प्रेमी युगल को मारते हुए वीडियो हुआ वायरल। नोएडा में गाड़ी में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में 21 अक्टूबर को आयोजित करेगी श्रद्धांजलि सभा। सपा की तरफ से प्रदेश भर के पदाधिकारियों को दिए निर्देश। योगी कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को दी मंजूरी। 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। चार पहियों वाहनों पर 1 लाख की छूट मिलेगी। शामली में किसानों ने नेशनल हाईवे मार्क किया जाम। हरियाणा के अधिकारियों ने फसल से भरे ट्रैक्टर ट्राली रोके तो किया चक्का जाम। बागमत में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान। बारिश के बाद धान की फसल खराब। सरकार से की आर्थिक सहायता की मांग। करवा चौथ पर पत्नी ने पति को सड़क पर पीटा। जालौन में बीच सड़क पर दिखा ड्रामा। शराबी पति को लेकर थाने जा रही थी महिला। लखनऊ में युवक की हत्या कर सड़क किनारे फेंका शव। बीकेटी और जानकीपुरम सेवा विवाद में उलझी नहीं हुई शिनाख्त। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।